शरारा कुछ मैं होश है मेरा नजारा
in my book. Thank you.
the game on a plate. I am craving for your body now. नेक्स्ट परफॉर्मेंस एवेज एवेज अंशुल एंड निखिल. तीन सरदार होते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए. दो छोटे वो समोसे ऑर्डर कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भूल जाते हैं. तो छोटे वाले सरदार से बोलते हैं, जा कोल्ड ड्रिंक ले गया. वो कह रहा, नहीं यार मैं नहीं जा रहा. वो कह रहे, जा तो सही. वो कह रहा, नहीं इतने में आऊंगा, तुम खा लोगे. वो कह रहे, नहीं खाने के, जा तो सही. वो कह रहा, ठीक है तो जा रहा हूँ. वो चला जाता है. उन्हें वहां बैठे बैठे एक घंटा हो जाता है, दो घंटे हो जाते हैं, तीन घंटे हो जाते हैं. ऐसे उन्हें एक दिन हो जाता है, दो दिन, तीन दिन. चौथे दिन वे कहने लगे, यार अब तो समोसे भी सड़न लगे, चलो खा ही लें. जैसे ही वे खाने को उठते हैं, वो पेड़ के पीछे से निकल कर बोलता है, यार ऐसे करोगे तो मैं जाने का नहीं हूँ. एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है, डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्च आएगा. डॉक्टर बोलता है, 1,00,000 रुपये. तो वो बोलता है, अगर प्लास्टिक अपनी हो. तो डॉक्टर बोलता है, ऐसा कर तो उसे पिंगला कर चिपका भी खुद. दो लड़के होते हैं, एक अमीर और एक गरीब. अमीर बोलता है, पापा जी आज बहुत गर्मी है. तो उसके पापा बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम आज ही एसी लगवा लेंगे. फिर गरीब का बोलता है, पापा जी आज बहुत गर्मी है. तो उसका पापा बोलता है, चल तुझा गंजा करवा कर लाऊं. एक जगह इंटरव्यू होता रहता है, तो उसमें शर्त होती है कि जो भी कम शब्दों में अंदर आने के लिए बोलेगा उसे ये जॉब मिलेगी. तो एक आता है, वो बोलता है, मैं आई कम इन सर. वो बोलते हैं, नहीं तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी. दूसरा बोलता है, सर मैं आ जाऊं. वो बोलते हैं, नहीं तुझे भी जॉब नहीं मिलेगी. एक जाता है गांव का, वो कह रहा है, अरे बढ़ जाऊं. वो कह रहा है, वो बोलते हैं, यार यू आर सिलेक्टेड. संता होता है, वो बोलता है, यार रात मेरे पापा कुएं में गिर गए बेचारे, बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत दर्द हो रहा है उन्हें.
तो वो बोलता है वैसे अब ठीक है, वो बोलता है ठीक ही होगा, तब से आवाज तो आई नहीं है। एक कबूतर इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा, जब वो बहुत ऊंचा उड़ गया और उड़ा, इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा कि फिर वो दिखाई देना बंद हो गया। यदि जिंदगी में कभी तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे और तुम गिर भी जाओ तो हार मत मानना, हिम्मत और हौसले से अपने कदमों पर खड़े होना और आवाज देना, वेटर एक पैक और लाओ। होता है बिल्कुल गंजा, तो उसका दोस्त बोलता है यार तू गंजा है, तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? वो बोलता है नहीं यार कुछ खास नहीं, बस एक ही है। वो बोलता है क्या? वो कहता है जब यार जब मुंह धोता हूं तो ये पता नहीं लगता कहां तक धोना है। एक ट्रेन में बहुत भीड़ होती है तो एक आदमी गंजे के ऊपर गिर जाता है, तो गंजे को बहुत गुस्सा आता है। गंजा बोलता है अबे मेरे सिर पर चढ़ेगा? तो वो बोलता है तेरे सिर पर चढ़कर क्या, मुझे नीचे गिरना है। एक लड़की बहरी होती है तो उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बोलते हैं मेरी लड़की बहरी है इसका इलाज करो। तो डॉक्टर बोलता है क्या तुम्हें 5 दिन से बुखार है और तुम अब आ रहे हो? तो पागल होते हैं, एक पागल दूसरे से कहता है यार कल मेरे बिना दांत के कुत्ते ने काट लिया क्या करूं? दूसरा बोलता है तो क्या हुआ तू भी बिना सुई का इंजेक्शन लगवा ले। बहुत सारी चींटियां स्विमिंग पूल में नहाती रहती हैं, तो हाथी आकर उसमें बढ़ जाता है, तो सारी चींटियां हाथी की कमर पे चिपक जाती हैं, तो उनमें से 2 चींटियां चिल्लाती हैं दबा दे साले को लड़कियों को छेड़ना। एक लड़का बिल्कुल काला होता है तो उसके पापा उसे रोज मारता है, तो एक दिन उसकी माँ कहती है बेटा तू बड़ा हो गया पिटता हुआ अच्छा सा ना लगता, तो उसे एक दिन अंधेरे में बंद कर देती है कि तू भी काला है तो दिखाई नहीं देने का तेरे पापा को। उसके पापा आते हैं उसे रात को वहीं आकर मारते हैं जहाँ वो होता है, तो वो बोलता है पापा जी मार तो और लो पर ये बताओ इतने अंधेरे में आपने मुझे देखा कैसे? वो बोलता है बेटा जहाँ तू था वहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। एक पागल खाने में बहुत सारे पागल ऐसे ही हंसते रहते हैं, बस एक चुप बैठा रहता है, तो डॉक्टर आके बोलता है भाई तू क्यों चुप बैठा है? और कहे ये सब तो बराती है मैं तो धुला हूँ। 3 औरतें होती हैं उन्हें भूलने की आदत होती है, तो एक बोलती है यार मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ है, एक दिन उन्हें जॉब मिली और वो भूल गए, वो सोच रहे कि संडे है। दूसरी बोलती है तुम्हारे तो कुछ नहीं मेरे तो ये है, एक दिन उन्हें बच्चों की चेकिंग के लिए ड्यूटी मिली थी और वो उन्हें पीट कर आ गए। दूसरी बोलते हैं जी तुम्हारे तो कुछ नहीं मैं तो एक बार उनके साथ ट्रेन में जा रही थी और वो बार बार मेरी तरफ देखकर ये बोल रहे बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वहां उससे पूछते हैं कि जावा के ऊपर 3 वर्ड बताओ 4 वर्ड बताओ, तो बोलता है मर जावा मिट जावा लुट जावा सद जावा, तो वो जो इंटरव्यू लेता रहता है वो बोलता है तो ठीक है घर भी तुम ही जाओ। कार में जाता रहता है तो वो बोलता है जो ड्राइवर होता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया अब ये आगे नहीं जा सकती, मालिक बोलता है कोई बात नहीं पीछे ही रह ले। एक लड़की का होता है तो उसकी बाइक से वो कट जाता है, बहुत सारे लड़के उसे देखकर बोलने लगते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो लड़की बोलती है ठीक है तो आकर अपना अपना फीस उठा लो। तो बनता कहता है यार तूने छतरी में छेद क्यों कर रखा है? वो कहे यार जिससे बारिश बंद हो जाए तो पता लग जाए। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब ये मेरा पहला ऑपरेशन है ध्यान से करना, तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं चिंता मत करो ये मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है। तो बहरे होते हैं, एक ऊपर छत पे खड़ा होता है एक नीचे जाता रहता है, तो नीचे वाला बहरा ऊपर वाला बहरा नीचे वाले बहरे से बोलता है यार घूमने जा रहा है? तो उसे सुनाई तो देता नहीं है, वो बोलता है नहीं घूमने जा रहा हूँ।
प्रोफेसर होते हैं तो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे वो ऐसी खाली प्लेट में रोटी लगाकर खाते रहते हैं। तो वेटर आके बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हो? वो बोलता है, हम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, हमने दाल सपोज कर रखी है। बहुत सारे आदमी नरक में इंजॉय करते रहते हैं, तो यमराज उन्हें देखकर भगवान से बोलता है, देखना ये लोग कैसे हैं, नरक में भी इंजॉय कर रहे हैं। तो भगवान बोलता है, ये माइपर से आए, ये माइपर के बार टैक वाले हैं, कहीं भी इंजॉय कर लेते हैं। रजनी का जोक सुन के एक जोक मुझे भी याद आ गया। एक बार संता अपने लिए एक लड़की को देखने जाता है, तो वहां पे लड़की से बहुत देर हिंदी में बात करने के बाद वो कहता है कि इंग्लिश चलेगी? वो कहती है, हाँ अगर सोडा और नमकीन हो तो थोड़ी सी ले लूंगी। नेक्स्ट परफॉर्म करने आ रहे हैं सिराज अहमद, फिर मोहब्बत करने चला है तू डॉक्टर कैन माई पर। जब आई एम फ्रॉम के एन माइपर बी फार्मा फर्स्ट ईयर, आई एम फ्रॉम के एन माइपर बी फार्मा फर्स्ट ईयर, जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता, वो मौजूद मिला जब आए मौसम हमके तुझे याद किया, जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, हो दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला।